क्या रहा करता था। ध्यान से सुनना माताजी, मेरे गुरुजी ये चर्चा सुनाते थे हर एक महीने में एक बार मुझे, इसलिए मैं आपको भी सुना रहा हूँ। ये बड़ी प्यारी चर्चा है। किसी गांव में एक पिताजी रहते थे और उन पिताजी का एक बेटा रहा करता था उस गांव में। पिताजी भगवान की बड़ी पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन जो बेटा था वो बेटा कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं किया करता था। एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बोले बेटा मैं तुम्हारे इतनी पूजा करता हूँ भगवान की, बेटा तुम भी थोड़ी पूजा किया करो, क्योंकि धन कितना भी कमा लो ये धन तुम लेकर नहीं जाओगे इस संसार से। कहते हैं बेटे ने तुरंत कहा, पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हें लगता है कि हम धन लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो सब कुछ लेकर जाएंगे संसार से। कहते हैं पिताजी ने तुरंत कहा, बेटा पूजा पाठ नहीं कर रहा, मैंने तेरे लिए 50 एकड़ जमीन बनाई है, लेकिन तू कह रहा है कि सब कुछ लेकर जाएगा। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी तुम्हारे जमाने में लेके नहीं जाते होंगे, लेकिन मैं सब कुछ लेके जाऊंगा। कहते हैं पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर तू सच में सब कुछ लेकर जाएगा तो मैंने बेटा तेरे लिए 50 एकड़ जमीन बनाई है, तो फिर मेरी भी एक इच्छा है। बेटे ने कहा, बताओ पिताजी। तो पिताजी ने कहा, बेटा मेरी इच्छा यह है, जब मैं मरूंगा तो मेरी माँ ने मुझे एक फटा मोजा बचपन में दिया था, मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो बेटा जब मैं अर्थी पे लेटा रहूंगा तो ये फटा मोजा तू मुझे पहना देना और उसके बाद मेरी चिता को आग लगाना, ये फटा मोजा मुझे पहना देना। बेटे ने तुरंत कहा, पिताजी फटा मोजा क्या तुम्हें सही मोजा पहना देंगे सच्चा वाला? पिताजी ने कहा, ना बेटा सही नहीं पहनना, हमें तो अपनी माँ का फटा मोजा पहना देना तू और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ बेटा, अगर तू फटा मोजा ना पहना पाए तो मैं अपने घर में तकिए के नीचे एक पत्र रख के जाऊंगा, बेटा तू उस पत्र को पढ़ लेना। या तो मुझे फटा मोजा पहना देना जब मैं मरूं तो ना पहना पाए, तो फिर वो पत्र मैं दूंगा, तो वो पत्र रखा रहेगा तकिए के नीचे, तू उस पत्र को पढ़ लेना। कहते हैं बेटा ने कहा, ठीक है समय गुजरा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। समय गुजरा, पिताजी की मृत्यु हो गई। और कहते हैं जब पिताजी की मृत्यु हुई और पिताजी की अंतिम यात्रा निकलने लगी तो बिगाड़ो मत, बेटे को तुरंत याद आ गया। बेटे को याद आया, मेरे पिताजी ने कहा था कि अंतिम यात्रा जब मेरी हो तो मेरी इच्छा है कि मुझे फटा मोजा पहना के और तुम जलाना। कहते हैं पिताजी की अंतिम यात्रा निकलने लगी तो बेटा ने वो फटा मोजा लिया और अपने पिताजी को पहनाने लगा। बेटा जैसे ही फटा मोजा पहनाने लगा तो जो वहां पंडित थे, जो वहां पे गांव वाले थे, उन गांव वालों ने और उन पंडितों ने तुरंत कहा कि क्यों बेटा क्या कर रहा है? उस बेटे ने तुरंत कहा, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मैं मोजा पहनाऊं तो मैं अपने पिताजी को मोजा पहना रहा हूं, अंतिम इच्छा थी मेरे पिताजी की। कहते हैं गांव के लोगों ने तुरंत कहा, बेटा तेरी अंतिम इच्छा है कि मोजा हम अपने पिताजी को पहना दें, लेकिन नियम होता है जो व्यक्ति मरा है और मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर कफन के अलावा अगर एक कपड़ा भी रहता है तो ऐसे व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होती है, वो भूत प्रेत बनकर इस संसार में डला रहता है। मरे हुए व्यक्ति को जब जलाया जाता है तो कफन के अलावा उसके शरीर पर, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, अगर छोटा सा भी कपड़ा रहा तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। कहते हैं बेटे ने तुरंत कहा, पिताजी की मुक्ति ना हो लेकिन फिर भी ये मोजा मुझे पहनाना है। गांव वालों ने हाथ पकड़ लिया, पिताजी की मुक्ति क्यों बिगाड़ रहा है? कई माएं रोती हैं, मेरा पति समाप्त हो गया, मुझे भी पति के साथ मरना है, लेकिन दूसरी औरतें हाथ पकड़ लेती हैं, ये तो दुख में कह रही है लेकिन मर थोड़ी जाएगी। कहते हैं ऐसे ही जबरदस्ती उस बेटे को पकड़ लिया, मोजा उन पिता के पैर से निकलवा दिया और जबरदस्ती उस पिता को आग लगवा दी। और कहते हैं जब पिताजी जले तो उस बेटे को तुरंत याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा अगर फटा मोजा ना पहना पाए तो बेटा मेरे तकिए के नीचे जाकर वो पत्र पढ़ लेना। बेटा तुरंत शमशान से दौड़ा और दौड़ के अपने पिताजी के घर में गया। पिताजी जहाँ सोते थे वहीं तकिए के नीचे देखा तो सच में एक पत्र लिखा हुआ और रखा था, और उस पत्र में पिताजी लिख कर गए थे। उसमें पिताजी ने लिखा था, बोले बेटा अगर तू आज ये पत्र पढ़ रहा है इसका मतलब तू मुझे फटा मोजा नहीं पहना पाया है बेटा, और आज तू पत्र पढ़ रहा है तो मैं तुझे सिर्फ यही शिक्षा देना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में 50 एकड़ जमीन इकट्ठी की और बेटा 50 एकड़ जमीन इकट्ठी करके तुझे दी, लेकिन जब मैं मरा तो एक फटा मोजा भी मैं यहाँ से पहन कर नहीं गया, एक फटा मोजा भी मैं 50 एकड़ वाला इस संसार से लेकर नहीं गया, तो बेटा जब तू भी मरेगा तो एक रुपये भी इस संसार से लेकर नहीं जाएगा, कुछ भी इस संसार से नहीं ले जा पाएगा।
जब मैं 50 एकड़ इकट्ठी करने वाले एक फटा मोजा नहीं ले जा पाया तो तू पैसे और धन दौलत कहां से लेके जाएगा? कुछ भी संसार से नहीं जाएगा। 13 दिन तक तिरिया रोबे 6 महीना सग भाई, जन्म जन्म तक माता रोबे कर गए आस पराई। बड़ा प्यारा